वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और आज है ना, अभी बज रहे 12:30 और अभी से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं नहाई नहीं एक्चुअली, बाद में नहाती हूँ अभी थोड़े टाइम में। तो अभी खाना वाना बनाना बाकी है यार, तो बाद में नहाती हूँ। और वेदर बहुत ही ख़राब है, तो इतनी जल्दी नहा के कुछ मतलब नहीं है। बच्ची भी मेरी बीमार हो जाएगी मेरी वजह से, इसलिए ये बाल देखो ना मेरे कुछ अलग से ही हो रखे हैं। ऐसा लग रहा है बस इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग गया मेरे को, सब खड़े हो जाते हैं ऐसे। सब बाल का कुछ अलग ही हो गया यार, क्या ही करें। तो अभी है ना, अभी मैं चलती हूँ किचन में, क्योंकि किचन का भी बहुत काम है, बहुत सारा सामान लेके आए पापा। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, तो चलिए चलते हैं किचन में। ये देखिए ज़रा, यहाँ पे बड़ा ही अजीब सा सीन हुआ पड़ा है। पापा ना इतना सारा चावल लेके आए, समझ नहीं आ रहा रखेंगे कहाँ, क्योंकि जगह ही नहीं है इतना। तो देखिए दिखाती हूँ आपको, ये एक गोनी, दो गोनी, ये सारी तो वेजीज हमेशा ही आती रहती है। और ये है 3 गोनी 4 गोनी, ये पूरा है ना 100 किलो है, मतलब 1 क्विंटल। अभी मम्मी कहाँ रखने वाली हो? कौन से डब्बे में रखने वाले? डब्बा ही नहीं है कहीं उसमें तो, यानी ये 3 पूरा 4 गोनी कैसे आएगा? तो एक तो है, तो दूसरा तो उसके लिए लाना पड़ेगा, है ना? वही अभी एक गोली खोल रही है मम्मी, क्योंकि ना चावल एकदम नहीं था, तो मम्मी ने बोला अब चावल लेके आओ पापा से। हमको पता ही नहीं था कि पापा इतना सारा चावल लेके आ जाएंगे कि शायद पूरे साल चल जाएगा हमारे घर में। तो अच्छा नहीं चलेगा पूरा साल। ये देखिए लचकारी कोलम ही है क्या मम्मी? वही है, देखिए लचकारी कोलम। हाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लचकारी कोलम, मस्त है ये। राइस बहुत अच्छी लगती है, हम लोग यही खाते। ये वेजीज तो हमेशा आती रहती है, इसकी तो बात ही अलग है। मैं बना रही हूँ निमोना, जो नॉर्थ साइड से है ना, उनको पता है निमोना क्या होता है, ये ग्रीन बटाने का। तो निमोना बनाने जा रहे हैं अभी हम लोग, तो अभी छिलना मिलना सब बाकी है। हो रही है 11, तो मैंने सोचा फटाफट से कर लेते, मालिश तो उसकी हो गई है, स्पंज करना बाकी है। थोड़ा वेदर ना बड़ा ही अजीब सा हो रखा है यार, तो समझ में नहीं आ रहा अभी नहलाएंगे नहीं उसको, वेदर बहुत ही खराब है। यहाँ है प्रतीक बैठे ही रहते, तबीयत अभी थोड़ा ठीक है प्रतीक की, नहीं ठीक है थोड़ा। वही तो आज भी सबने मना किया कि अभी आज जाओ मत ऑफिस, एक आध दिन छुट्टी और ले लो, फिर देखते हैं कैसा तबीयत रहता है फिर। अभी तो फिलहाल बहुत ही अच्छा है। मैं आपको दिखाती हूँ वेदर कैसा हुआ रखा है, क्योंकि कुछ भी कपड़े नहीं सूख रहे यार, ना 11 के सूख रहे हैं ना हम लोग के। तो चलो ठीक है, 11 के सूखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दिखाती हूँ वेदर बहुत ही ख़राब है। ये ना मेरे किचन की बालकनी का व्यू है, और वो जो बाजू वाला है ना, वो मतलब रूम की बालकनी का व्यू है। तो यहाँ से मैं दिखा रही हूँ किचन में की व्यू हूँ अभी मैं, और वो वाले बालकनी का मैं दरवाज़ा खोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पे है ना 11 सो रही है, तो आवाज़ बहुत आती है, तो फटक से उठ जाएगी। ये बहुत अच्छा सा झाड़ है, पर यह पूरा झड़ गया अभी पत्ते वत्ते सब। ये देखिए ना, धूप है ना छाँव है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। कुछ अलग सा ही वेदर है यार, भी बहुत है, थोड़ा सा लाइट है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा क्लाउड है, थोड़ा सा लाइट है, पर इतना भी नहीं है कि कपड़े वगैरह सूख सके। और हवा भी अच्छी खासी चल रही है, मतलब थोड़ी बहुत ही चल रही है, बहुत हवा नहीं है, रह रहेगी चल रही है, पर बहुत ठंडा हवा है। तो चलिए अभी ये सब काम मैं निपटा लेती हूँ, सारा ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो अभी मेरा पूरा काम हो चुका है, खाना वाना भी बन चुका है, मैंने 11 को स्पंज करा दिया है, और फीड करने के बाद वो थोड़ा सा बॉप लेने के लिए उसको घुमा रहे उसके चाचू। और यहाँ प्रतीक बैठे हैं, ये देखो। अरे बीमार होने का एक बड़ा अच्छा वो लगता है ना, पूरा दिन फोन में है ना, टाइम पास करते रहे। ये ना समीर के साथ लूडो खिलाई चल रही है। किसके साथ? अच्छा ये ऑनलाइन है, समीर के साथ नहीं है, समीर बिजी होगा अभी, ये तो पूरा दिन हाँ स्कूल गया होगा बराबर। और अभी ना मैं क्या सोच रही हूँ अभी मम्मी को ना ये कलर लगाने जा रहे हैं, मतलब बाल में कलर। ये देखिए रुकिए दिखाती हूँ आपको, मम्मी के बालों में कलर लगा दिया है। पीछे नहीं लगाती हूँ क्योंकि पीछे ऑलरेडी ब्लैक है, सिर्फ आगे का ये वो हो चुका है पूरा। अभी ना मम्मी यहाँ पे जो छोटे छोटे हेयर होते हैं ना, बेबी हेयर, उस पर मम्मी अभी खुद से लगाएंगे, क्योंकि मेरे से ना फिर यहाँ ब्लैक हो जाता है ना, तो अभी आप वो कम्प्लीट करोगी ना बाल। चलो तो ठीक है, अभी चल रही हूँ मैं 11 को देखने। 11 पता नहीं क्या कर रही है, बाप ले चुकी पता नहीं, सो गई वो भी नहीं मालूम कहाँ गई। ये देखिए यहाँ खेल रही है, 11
खेल रही है। मैंने ना सिर्फ स्पंज किया है यार, इसलिए बाल बाल कुछ वो किया नहीं है सिर्फ। ऐसे तो बाल मैं वॉश कर देती हूँ स्पंज में भी अच्छे से, पर आज मैंने नहीं किया, तो सब ऑयल वगैरह ही लगाया ऐसे ही, क्योंकि ना क्या बोलते वेदर नहीं अच्छा है, मैंने आपको दिखाया, इसलिए सब ऐसे ही स्पंज कर दिया, सिर्फ बॉडी पोछ दी ऐसे ही मैंने पानी से बस। क्यारा जब से खेल रही है तब से हम लोग सोच रहे हैं 2:30 बज रहा है, तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से सबको खाना दे देती हूँ, सबका कंप्लीट हो जाए, नहीं तो फिर कब उसको मतलब नींद आने लगेगी, फिर नींद में कैसा होता है ना उसको घुमाना पड़ता है फिर वो सोती, तो तब तक फटाफट से सबको खाना दे देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। ठीक है गाइस, सभी हो चुका है सबका खाना, मैं आपको दिखाती हूँ पूरा किचन नीट एंड क्लीन हो चुका है, ये पूरा गैस क्लीन, ये सब सब डन। अब जा रही हूँ मैं चाय बनाने, यहाँ है ना दूध शक्कर चाय पत्ती मैंने डाल दी है, प्लस ये जो आपको दिख रहा है ना ये मैंने अजवाइन डाला हुआ है, अब मैं डालूंगी इसके अंदर तेज पत्ता, मैंने डाल दिया तेज पत्ता, अभी मैं यहाँ पे लिया है अदरक, और ये है ना ये देखिए ये मैंने लौंग लिया हुआ है, अब मैं इसको ना कूट दूंगी साथ में, ये हो गया है डन, अब मैं इसको डाल दूंगी चाय के अंदर, ये देखिए लौंग भी है ना इसके अंदर ये सारा। चाय बनाने से ना यार दो चीज़ें होती हैं, एक तो चाय का टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है, आप कभी ट्राई कीजिएगा, जिसको मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि सभी को पसंद आएगा, बहुत कम लोगों को पसंद आएगा, पर जिसको थोड़ी कड़क चाय पसंद है ना उसको डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा, तो आप कभी ट्राई करो, पियो, बहुत ही अच्छी बनती है। तो इससे एक चीज़ ये हो जाता है कि टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है, और सेकेंड थिंग ये हो जाता है ना कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, मतलब अभी विंटर सीजन चल रहा है और स्पेशली जो जो मदर यानी फीड करा रही है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बच्चे को प्रॉब्लम कुछ नहीं होती, आपको भी यानी क्या बोलते हैं उसको, मतलब आपको भी अंदर से एक गर्माहट जैसा रहता है, तो बच्चे को सर्दी वर्दी नहीं लगती, इसलिए ये बहुत मेरे लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको ज़रूर बना के पीती हूँ 2 टाइम, एक सुबह एक शाम। ये आप देख रहे हो ना जो इसके अंदर वटाने रखे हुए मतलब फूलने के लिए, पानी में भिगो के जो छोले समोसे बनाएंगे, और बड़ा ही टेस्टी बनता है छोला समोसा, एक्चुअली घर पे सोआ हम लोग समोसा नहीं बनाने वाले, सिर्फ छोला ही बनाऊंगी, तो समोसा बाहर से आएगा, तो आज हम लोग वो खाएंगे छोला समोसा। तो चलिए अभी मेरी चाय बन रही है, चाय लेके फिर मैं आपसे बात करती हूँ। मैं आ गई हूँ रूम में मेरी चाय लेके, देखिए मेरी चाय एकदम अमेजिंग सी बन के रेडी है, और अभी ना ये ठंडा हो तब तक मैं इधर रख देती थी, ये हमारा नहीं मेरे पास बैठी है ना, एक्चुअली मम्मी गई है नहाने, मतलब नहाने नहीं देते बाल धोने, वो जो कलर लगाए थे ना वो वॉश करने गई हैं, तो ये मेरे पास आ गई है अभी, ये देखो इसको दिखाती हूँ। अरे यार चिंकी और चड्डी और ये चादर, चिंकी चड्डी चादर, कलर ही नहीं पता चल रहा है सही है, क्या हो गया लो, चिंकी चड्डी या चादर, एकदम ऐसे हो जाती है, पैर देखिए कहाँ है और ये कहाँ है, ये लग जाएगा बाबू तुमको पीछे, ये लो खेलो। इसमें ना मतलब वो डॉल थी एक छोटी वाली, वो ना हमारे घर पे नायरा आई थी ना, तो हमने उसको दे दिया, क्योंकि ना वो ये अभी खेलती नहीं है, और नायरा भी बड़ी क्यूट है छोटी सी हमारी, वो कभी आएगी ना तो मैं ज़रूर उससे मिलवाऊंगी, बहुत ही क्यूट है, तो वो खेल रही थी कल, तो वो उससे खेलेगी, क्योंकि अभी तो इसको यूज़ हो नहीं रहा है, तो अभी नायरा खेलेगी डॉल के साथ, नायरा दीदी है इसकी, दीदी है नायरा, मैं ज़रूर मिलवाऊंगी नायरा से, बहुत ही क्यूट है वो भी। मेरी 11 इंजॉय कर रही है, मैं करूँगी चाय अपनी इंजॉय, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। बाद में क्या यार, अभी प्रतीक भी गए हैं थोड़ा बाहर, थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाए, इसलिए बीमार ऐसे ही थोड़ा सा लग रहा था, उनको अच्छा नहीं लग रहा था, तो थोड़ा सा गए हैं इधर उधर, अभी अच्छा है काफ़ी सुबह से, तो इसीलिए अभी मैं करूँगी चाय इंजॉय, मेरी बेटी करी अपने टॉयज इंजॉय, चिंकी इंजॉय, तो अभी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।